दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरि भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। कुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है। पितुसुरपुर सिय राम बन करन कहउ मोहि राजु, एहि ते जानहु मोर हित कै आपन बड़का। हमार सियपति सेवकाई सोहरी लीन मातु कुटिलाई, नय अनुमानि देख मन माही आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाजु राजु के ही लेखे लखन राम सिय बिनु पर देखे, वादि बसन बिनु भूषण भारु, वादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारु। सरुज शरीर वादि बहु बिनु हरि भगति जाय जप जोगा, जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। जाऊ राम पहि आय सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहु। मोहिन पकरी भल आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहु। कैके सुअ कुटिल मति
राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कहूं साचु सब सुनि पतियाहु, चाहिए धर्म सील नर नाहु, मोहि राजु हठि देहहु जब ही, रसा रसा तल जाई तब ही। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगी सीय राम बन बासु, राय राम कहु काननु दीना, बिछुरत गमनु अमरपुर कीना। मैं सठु सब अनरथ कर हे तू, बैठ बात सब सुनऊ सचे तू, बिनु रघुबीर बिलो के आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे, कहे लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरी कुली सुजे ही लही बड़ाई। कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर, कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कैके भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे, जौ प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम सिय कहु बनु दीना, पठै अमर पुर पति हित कीना, लीन विधव पन अप जसु आपु, दीन उपजहि सोकु संतापु, मोहि दीन सुख सुजसु सुराजु, कीन कई कई सब कर काजु। एहित मोर काह अब नीका, तेहि पर देन कहूं तुम टीका। कै कई जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही, मोरी बात सब विधि ही बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाय। अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो
और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो, ये कैसा उपचार है भला? कैकई का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकई को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया। बात बस ते ही पुनि बीछे मार ते ही पियाई बारुनी कहु का सुवन जोग जग जोई चतुर बिरंची दीन मोहि सोई दशरथ तनय राम लघु भाई दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाए तुम सब कहो कढ़ावन टीका राय रजाय सुसब कहनी का उतरु देऊ के ही विधि के ही कहु सुखेन जथा रुचि जे ही मोहि कुमातु समेत बिहाई कहु कही के किन भलाई मोबिनु को सचराचर माही जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही परम हानि सब कह पड़ला हो अदिनु मोर नहीं दूषण का हो संशयशील प्रेम बस अहो सबुई उचित सब जो कछु कहो राम मातु सुठि सरल चित मो पर प्रेम बिसेखि कहई सुभाय सनेह बस मोरि दीनता दे विवेक सागर जगु जाना जिनहि विश्व कर बदर समाना मो कह तिलक साज सज सो भय विधि विमुख विमुख सबको परिहरि राम सिय जग माही कौन कही मोर मत नाही सो मैं सुना
सुकुमानी अंतहु कीच तहा जह पानी डरु न मोही जग कही की पोचू पर लो कहु कर नाही न सोचू एक ही उर बस दुसहे दवारी मोहि लगी भेसिया राम दुखारी जीवन लाहु लखन भल पावा सब तजी राम चरण मनु लावा मोर जन्म रघुबर बन लागी झूठ काह पछिताऊ अभागी आपनी दारुण दीनता कहूं सब हे सिरुनाई देखें बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनी न जा आन उपाऊ मोही नहीं सूझा को जिय कई रघुबर बिनु बूझा एक ही आंक इहई मन माही प्रात काल चली हूं प्रभु पाही यद्यपि मैं अनभल अपराधी भय मोहि कारण सकल उपाधि तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी क्षमि सब करी हही कृपा विसेखी सील सकुच सुठी सरल सुभाऊ कृपा स्नेह सदन रघुराऊ हरिहुक अनभल कीन न रामा मैं शिशु सेवक यद्यपि पामा पाँच मोर भल मानी आयसु आशिष देहु सुबानी जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी आवहि बहुरी राम रज धानी राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती रामविरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।
कपि जनमु को मातुते मैं सठु सदा सदोस आपन जाने न त्यागी हहि मोहि रघुबीर भरो भरत वचन सब कहे प्रिय लागे राम स्नेह सुधा जन पागे लोग वियोग विषम विषरागे मंत्र सबीज सुनत जनु जागे मातु सचिव गुर पुर नर नारी सकल स्नेह विकल भई भारी भरत ही कहि सराही सराही राम प्रेम मूरति तनु आहि तात भरत अस काहे न कहु प्राण समान राम प्रिय अहु जो पावरु अपनी जड़ताई तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई सो सठ कोटिक पुरुष समेता बस ही कलप सत नर कनिकेता अहि अग अवगुण नहीं मनि गहई हरई गरल दुख दारिद दहई अवश्य चलिया बन राम जहां भरत मंत्र भल कीन शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलम बनो दीन सबके मन मोदुन थोरा जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा चलत प्रात लखी निरनवनी के भरत प्राण प्रिय भे सब ही के मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई चले सकल घर विदा कराई धन्य भरत जीवनु जग माही सीलु सनेहु सराहत जाहि कहीं परस पर भाबड़ खाजु सकल चले कर साजहि साजु जही राखही रहु घर रखवारी सो जानई जनु गरदन मारी को कह रहन कहिया नहीं काहू कौन चाहे जग जीवन लाहू जरऊ सो संपति सदल सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राई
सहस सहाय। घर घर साजहि बाहन नाना, हर्ष हृदय प्रभात पयाना। भरत जाय घर कीन बिचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति कई आही, जौ बिनु जतन चलो तजिताही। तौ परिणाम नमोरी भलाई, पाप सिरो मनि साई दोहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन कोई। अस बिचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। कही सब मरम धरम भल भाखा, जो जही लायक सोते ही राखा। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राजतिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े, तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की। जननी जानी सब भरत सनेह सुजान, कहे उपनावन पालकी सजन सुखासन जान। चक की जिमी पुर नर नारी, चाहत प्रात पुर आरत भारी। जागत सब निसि भय बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। कहे उदेहु सब तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम ही राजु। बेगित
चलहु सुनी सचिव जोहारे तुरत तुरग रथ नाग संवारे। चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तप तेज निधाना। नगर लोग सब सजी सजी जाना चित्रकूट कह कीन पयाना शिविका सुभगन जाही बखानी चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाए सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। सब नर नारी जनु करी करिनी चले तकी बारी बनसिय राम समुझी मन माही सानुज भरत भया देखी जाही। देखी सनेहु लोग अनुरागे उतरी चले हय हय रथ त्यागे जाय समीप राखी निज डोली राम मा तू मृदु बानी बोली। पात चढ़ा रथ बली चली ही सब लोग सकल शोक कृष नहीं मग जोग। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी वासु दूसर गोमति तीर निवासु। पय आहार फल आसन एक निस भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। सई तीर बसी चले बिहाने श्रृंग बेरपुर सब मियराने समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करई सबिषादा।
लटकाई। जा नहीं सानुज राम ही मारी, करऊ अकंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीति पुरानी, तब कलंक अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरही जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचर जु भर तुअस करही, नहीं विष बेली अमिय फल भरही। दंपल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिवाने जा रहे हैं। अस बिचारी गुह जाति सन, कहे सजग सब हो, हथवा सहु बोर उतरनी कीजिए घाटा रो। ओहु संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जियतन सुरसरी उतरन देऊ। समर मरन पुनि सुरसरी तीरा, राम काजु छन भंगु सरीरा। भरत भाई नृपु मैं जननीचु, बड़े भाग असि पाई अमीचु। स्वामी काज करि हऊ रन रारी, जस धवली हऊ भुवन दस चारी। तजउ प्राण रघुनाथ निहोरे, तुहु हाथ मुद साधु समाजन जाकर लेखा। राम भगत महु जा सुन रेखा, जाय जियत जग सो मही भारू। जननी जौबन बिटप कुठारू। विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई उछा, सुमिर राम मागे उतुरत तरकस धन।
भाई हु सज हु संजो सुनी रजाई कदराई न को भले ही नाथ सब कही सहर्षा एक ही एक बढ़ावई करशा चले निषाद जोहारी जोहारी सूर सकल रन रूचैरारी सुमिर राम पद पंकज पनही भाथी बांधी चढ़ाई धनही अंगरी पहिरी कूड़ी सिर धरही फरसा बांस सेल सम करही एक कुशल अति ओढ़न खाड़े कूदही गगन मन हुचिति छाड़े निज निज साजु समाजु बनाई गुहरा उतही जोहारे जाय देखी सुभट सब लायक जाने ले ले नाम सकल सन माने भाई हुलाव हु धोख जनी आज काज बड़ सुनी सरोष बोले सुभट वीर अधीरन हो राम प्रताप नाथ बल तोरे करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे जीवत पाऊन पाछे धरही रुंड मुंड मय में दिन करही दीख निषाद नाथ भल टोलू कहे उबजाऊ जुझाऊ ढोलू इतना कहत छींक भई बाए कहे उस गुनी अनखेत सुहाए बूढ़ू एक कह सगुन बिचारी भरत ही मिलियन होई हिरारी राम ही भरत मनावन जाही सगुन कहई अस विग्रह नाही सुनी गुह कहई नीक कह बूढ़ा सहसा करी पछिताही बिमूढ़ा भरत सुभाव सीलु बिनु बूझे बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जंचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषाद राज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषाद राज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषाद राज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख
देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं, जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है, उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। घाट भट समेट सब ले मरम मिल जाय, बूझि मित्र अरि मध्य गति तस तब करि हौ आ। लखब सनेहु सुभाय सुहाय, बैरु प्रीति नहीं दुरै दुराय, अस कहीं भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। नीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कहारन आने, मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देखी दूर ते कहीं निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणाम, जानी राम प्रिय दीनी असीसा, भरत ही कहेउ बुझाई मुनीसा। राम सखा सुने संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गाँव जाति गुह नाउ सुनाई, किन्ह जोहारु माथ महिलाई। करत दंडवत देखिते भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमु न हृदय समाई। भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाही प्रेम करीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तेहि बरिसहि फूला। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले असीचा, तेहि भरी अंक राम लघु घाता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कही जे जमुहाही, तिन्हही न पाप कुंज समुहाही, यह तो राम लाई पुर दीन्हा, कुल समेत जग पावन कीन्हा। करम नास जलु सुर सरी परई,
ते ही को कहू शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। नहीं अचिर जुग जुग चलियाई केही न दीनी रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कही सुनी सुनी अवध लोग सुखुल ही। राम सखही मिली भरत सप्रेमा पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत करसीलु सनेहु भानिषाद तेहि समय विदेहु। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा भरतहि चितवत एक टक ठाड़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेखी मैं तिहूं काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे। राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशल क्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूं, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।
समुझि मोरि कर तूति पुल प्रभु महिमा जिय जो जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। कपटी कायर कुमति कुजाती लोक वेद बाहिर सब भांति राम कीन्ह आपन जब हीते भयं भुवन भूषण तब हीते देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई मिले उ बहोरी भरत लघु भाई कही निषाद निज नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी जानी लखन सम देही असीसा जियहु सुखी सयलाक बरीसा निरखि निषाद नगर नर नारी भये सुखी जनु लखनु निहारी कहीं लहेऊ एहि जीवन लाहू भेटेऊ राम भद्र भरी बाहू सुनि निषादु निज भाग बड़ाई प्रमुदित मन लई चले उलेवाई सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई घर तरु तर सर बाग बन बास बनाए नहीं जाई श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब भेसनेह सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद ही लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागू एही विधि भरत सेनु सब संगा दीखी जाई जग पावनी गंगा राम घाट कह कीन्ह प्रणामु भामनु मगनु मिले जनु राम करही प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी करी मज्जनु मागही कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोरी भरत कहे उसुर सरी तब रेनु सकल सुखद सेवक सुर धेनु जोरी पानी बर मागुए हूँ सिय राम पद सहज सने एही विधि मज्जनु भरतु करि गुर अनुशासन पाई मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई
जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधु सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करियाय सुपाई, राम मातु पहिंगे दो भाई। चरण चापी कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीरु सनेह न धोरे। पूछत सख ही सोठाऊ देखाऊ, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। जह सिया राम लखनु निसी सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुन भयाउ विषादु, तुरत तहां लई गयउ निषादु। निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है? जह सिंसु पा पुनीत तर, रघुबर किय विश्राम। अति स्नेह सादर भरत कीन्हे उदंड प्रणाम। साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। स
सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सखासन बचन सुबानी। श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना जथा अवध नर नारि बिलीना। पिता जनक देउ पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेही। ससुर भानु कुल भानु भुआलु जेही सिहात अमरावती पालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सुति यमनि सीय साथरी देखि बिहरत हृदउनह हरिहर। पबिते कठिन बिसेखि लालन जोगु लखन लघु लोने भेन भाई अस अहिन होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सहहि विपति सब भांति निदरे कोटि कुलिस एहि छाती। राम जनमी जगु कीन उजागर रूप सील सुख सब गुण सागर। पुर जन परिजन गुर पितु माता राम सुभाव सब ही सुखदाता। बैरियु राम बड़ाई करही बोलनी मिलनी विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सत सेखा करि न सकही प्रभु गुण गन लेखा। स्वरूप रघुवंश मनि मंगल मोद निधान। ते सोवत कुसडासी महि विधि गति अति बलवान। सुना दुख कान न काऊ जीवन तरु जिमी जोग वही गाऊ। पलक नयन फनी मनि जेहि भांति जोग वही जननी सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिन पद चारी कंद मूल
पल फूल आहारी भिग कै कै अमंगल मूला वैसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी सब उत्पातु भयउ जहि लागी कुल कलंकु करि सृजेउ विधाता साई दोह मोहि कीन कुमाता सुनि स प्रेम समुझाव निषाद नाथ करिया कत बादि विषाद राम तुमहि प्रिय तुम प्रिय राम ही यह निर्जोसु दोसु विधि बामहि दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानी और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम लक्ष्मण और सीता न जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधि पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। विधि बाम की करनी कठिन जही मातु कीन्ही बावरी देही राति पुनि पुनि प्रभु सादर सरहना रावरी तुलसीन तुम सो राम प्रीतम कह तू हो सो है किए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीर जुहिए राम सकुच सप्रेम कृपायत चलिय करिय विश्राम यह विचारि दृढ़ आनि मन सखा बचन सुनी पुर धरि धीरा पास चले सुमिरत रघुबीरा यह सुधि पाई नगर नर नारी चले बिलोकन आरत भारी पर दखिना करि करहि प्रणामा देहि कई कई खोरी निकामा भरी भरी बारी बिलोचन लेही बाम विधाते ही तूषण देही एक सराह ही भरत सनेहू को कह निपति निबाहे उनेहू निंद ही आपु सराही निषाद ही को कही सकई विमोह विषाद ही एही विधि राति लोगु सब जागा भार दिनुसार उदारा लागा गुरही सुनाव चढ़ाई सुहाई नई नाव सब मातु चढ़ाई दंड चारि महा भास पुपारा उतरि भरत तब सब ही संभारा
किया करीमा तू पद बंदी गुरही सिरुना आगे किए निषाद गन दीन्हे उकट कुचला कियौ निषाद नातु अगुआई मातु पाल की सकल चलाई साथ बुलाई भाई लघुदीना विप्रन सहित गवनु गुर कीन्हा सुरसरी कीन प्रणामु सुमिरे लखन सहित सियरामु गवने भरत पया देहु पाए कोतल संग जाही डोरी आए कहि सुसेवक बारहि बारा होइ नाथ अस्व अस्वारा राम पया देहि पाय सिधाए हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए सिर भर जाऊं उचित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा देख भरत गति सुनि मृदु बानी सब सेवक गन करहि गलानी तीसरे पहर कह कीन्ह प्रवेशु प्रयाग कहत राम सिय उमगी अनुराग झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस कोस कन जैसे भरत पया देहि आए आजू भयउ दुखित सुनि सकल समाजू परिलीन सब लोग नहाए कीन्ह प्रणाम त्रिबेनी आए सबिति सितासित नीर नहाने दिए दान मही सुर सन माने देखत श्यामल धवल हलो शरीर भरत कर जोरे सकल काम प्रद तीरथ राऊ वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ मागम भीख त्याग निज धर्मु आरत काहन करई कुकरमु
बस जिया जानी सुजान सुदानी सफल करही जग जाचक बानी। प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्थ होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानी हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया। यह बरदानु न आन जानहु राम कुटिल करि मोहि लोग कहउ गुर साहिब द्रोही सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जल तू जन्म भरी सुरति विसारऊ जाचत जलू पवि पाहन डारऊ चातकुरटनी घटे घटी जाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई कन कहीं बान चढ़ई जिमी जाहे तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी भई मृदु बानी सुमंगल देनी तात भरत तुम्ह सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु बादी गलानी करहु मन माही तुम्ह समराम ही को प्रिय नाही। हरषु सुनि देनी बचन अनुकूल भरत धन्य कही धन्य सुर हरषित बरषहि फूल मुदित तीरथ राज निवासी
बैखानस बटु गृही उदासी, कहि परस पर मिली दस पाचा, भरत सने हुसीलु सुचि साचा। सुनत राम गुन ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहियाए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। आई उठाई लाई उर लीन है, दीन ही असीस कृतारथ कीन है, आसनु दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुच गृह जनु भजी बैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचु, बोले ऋषि लखि सीलु संकोचु। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। गलानी जिय जनी करहु, समुझि मातु करतु, तात कै कई दो सुनही गई गिरा मति धूती। यहु कहत भल कही ही न को, लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाई ही लोक वेद बड़ाई। लोक वेद सम्मत सबु कहई, जेहि पितु दे राजु सो लहई, राउ सत्य व्रत तुम्हि बोलाई, देत राजु सुख धरमु बढ़ाई। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला, स्वभावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंत हूँ पछितानी। कहूँ तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु, करते हु राजु त तुम्ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु।